दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुमार, नेक्स्ट मनी गोल्ड स्टार आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट मनी पेन वेरिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट मनी का एक अपडेट आ चुका है, अगर आपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर पर जाके नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। और दोस्तों आपसे जो नेक्स्ट मनी में आईडी लगेगा वो पेन वेरिफिकेशन के बाद ही आईडी लगेगा, यानी कि दोस्तों जिसका पेन कार्ड नहीं होगा वो नेक्स्ट मनी में साइन अप भी नहीं कर पाएगा। पहले दोस्तों नहीं होने के बाद भी वो अपना आईडी बना लेता था, बाद में फिर पेन कार्ड बना के आईडी को अपग्रेड करता था, लेकिन अभी बिना पेन कार्ड का वो आईडी भी नहीं बना पाएगा इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों ये तो नए ज्वाइन होने वाले के लिए है, जो कि दोस्तों अब बिना पेन कार्ड का उसका आईडी नहीं लगेगा और वो पेन वेरीफाई करना उसका ज़रूरी रहेगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने आईडी लगा लिया उसको क्या करना है, तो दोस्तों उसको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवाईसी प्लीज़ वेरीफाई योर पेन कार्ड, यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे स्किप दिया हुआ है, स्किप पे दबाएंगे तो ये पॉपअप हट जाएगा, लेकिन फिर बाद में नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जिसका आईडी लगा हुआ है अपग्रेड है उसको ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो उसके लिए है जो ये नहीं किया हुआ है। तो उसको करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका पेन नंबर आ जाएगा और यहाँ से वो चेंज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, पेन नंबर के आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे अपलोड केवाईसी पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेन कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुली, उसके बाद ये पॉपअप आपके पास अब नहीं आएगा। अपडेट योर केवाईसी पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। तो इस तरह से पुराने यूजर जितने भी हैं नेक्स्ट मनी को वो अपना पेन कार्ड वेरीफाई कर लेंगे। और दोस्तों नए लोग अब नेक्स्ट मनी में ज्वाइन करने के लिए पेन वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही उसका ज्वाइनिंग लग पाएगा। क्योंकि दोस्तों केवाईसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, कोई नाम गलत लिखता था, कोई पेन नंबर गलत डाल देता था, इसलिए इसको दोस्तों अपडेट किया गया है। और इस अपडेट के बाद आपका नाम अगर गलत होगा तो वो ऑटोमेटिक 24 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। जाइए एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए और अपना पेन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे जरूर बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।